नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चंस आईआईटी जैम 2009 में पूछा गया है। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 cos y स्क्वायर dx माइनस के xy sin y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैं पहले भी ऐसे क्वेश्चंस करा चुका हूँ आपको कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमें ऑप्शन दिए रहते हैं वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कौन से फॉर्मूले से निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम यदि चारों ऑप्शन को देखें, ए बी सी डी को देखते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो IF आएगा वो IF होगा हमारा जो फंक्शन ओनली x ओनली होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में क्या है, ओनली x के ही फंक्शन है। तो हमें IF कहाँ से निकालना होगा, रूल 4 या जो भी आपने नाम दिया हुआ है उसको आप वहाँ से देख सकते हो। इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, देन IF क्या होता है हमारे पास, IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ये आप सबको पता है। सेकंड मेथड भी आपको मैंने बताया हुआ है कि e की पावर x से मल्टीप्लाई करो और एग्जैक्ट वाली कंडीशन आप वहाँ पे चेक कर देख सकते हो, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग। यहाँ पे हमें ऑप्शन से आइडिया लग रहा है कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सीधे हमें आंसर मिल जाएगा। तो यदि मैं 1/n की बात करता हूँ तो हमें n क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे n सीधे लिख देते हैं। n हमें क्या दिया हुआ है, xy sin y स्क्वायर डेल m ओवर डेल y, मैं यहाँ पे सीधे निकाल देता हूँ। डेल m ओवर डेल y क्या हो जाएगा, माइनस के 4y स्क्वायर, मीन्स कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन और वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 माइनस के 2y, मीन्स माइनस के 4y, ये हो जाएगा। और माइनस के डेल n ओवर डेल x, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, y साइन वाई स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे देखूँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन बीच में था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई साइन वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के 3y साइन स्क्वायर। तो y साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस 3y विच इज fx। अब हमें IF निकालना है, तो IF निकालने के क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3x log x, मीन्स e की पावर log x क्यूब, मीन्स क्या हो जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। मेरे पास IF क्या आ गया, हमारे पास x क्यूब, मीन्स हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर आ गया। ऑप्शन डी हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। देखो जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर। यदि आप दूसरे वाला मेथड अप्लाई करते कि पहले e की पावर x से मल्टीप्लाई करते और एग्जैक्ट कंडीशन चेक कराने की कोशिश करते, तो आपको पहले फर्स्ट ऑप्शन के लिए करना होता, फिर b के लिए करना होता, फिर c के लिए करते, देन आपको फाइनली आंसर मिलता, तो टाइम टेकिंग हो जाता, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाता। लेकिन जैसे ही मैं आपने देखा यहाँ पे सारे ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, x में दिए हुए हैं, तो आप इस मेथड इस फॉर्मूले के हेल्प से आप सीधे सीधे IF निकाल सकते हो। तो ये कम टाइम में आप यहाँ पे IF निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।